इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को मामले पर दोबारा फैसला करने की हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाया। तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। आपको बताएं कि तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। इलेक्शन के मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलदम करार दे दिया है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल साही से। फैसल बताइएगा, कुछ देर बाद फैसला सुनाए जाने का इम्कान है? बिल्कुल, ये तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जो है सुनाया जाएगा, लेकिन जो शॉर्ट ऑर्डर है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है और इसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ ये केस था जिस पर इलेक्शन कमीशन के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था, जो हुक्म था, उसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कलदम करार दे दिया है और साथ ही इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हदायत की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया है। इसके साथ साथ बताते चले कि ये NA 46, 47, 48 पर जो नून लीगी उम्मीदवारों ने एतराज उठाए थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर और इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त दायर की थी कि इस ट्रिब्यूनल को तब्दील किया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जो तारिक महमूद जहांगीरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल उन्हें तब्दील किया था। इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उन्होंने एतराज उठाया तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज ये फैसला जारी किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल साही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को मामले पर दोबारा फैसला करने की हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाया। तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। आपको बताएं कि तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। इलेक्शन के मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलदम करार दे दिया है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल साही से। फैसल बताइएगा, कुछ देर बाद फैसला सुनाए जाने का इम्कान है? बिल्कुल, ये तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जो है सुनाया जाएगा, लेकिन जो शॉर्ट ऑर्डर है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है और इसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ ये केस था जिस पर इलेक्शन कमीशन के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था, जो हुक्म था, उसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कलदम करार दे दिया है और साथ ही इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हदायत की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया है। इसके साथ साथ बताते चले कि ये NA 46, 47, 48 पर जो नून लीगी उम्मीदवारों ने एतराज उठाए थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर और इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त दायर की थी कि इस ट्रिब्यूनल को तब्दील किया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जो तारिक महमूद जहांगीरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल उन्हें तब्दील किया था। इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उन्होंने एतराज उठाया तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर इस्लामाबाद को हाईकोर्ट ने आज ये फैसला जारी किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल साही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को मामले पर दोबारा फैसला करने की हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाया। तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। आपको बताएं कि तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। इलेक्शन के मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलदम करार दे दिया है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल साही से। फैसल बताइएगा, कुछ देर बाद फैसला सुनाए जाने का इम्कान है? बिल्कुल, ये तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जो है सुनाया जाएगा, लेकिन जो शॉर्ट ऑर्डर है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है और इसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ ये केस था जिस पर इलेक्शन कमीशन के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था, जो हुक्म था, उसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कलदम करार दे दिया है और साथ ही इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हदायत की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया है। इसके साथ साथ बताते चले कि ये NA 46, 47, 48 पर जो नून लीगी उम्मीदवारों ने एतराज उठाए थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर और इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त दायर की थी कि इस ट्रिब्यूनल को तब्दील किया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जो तारिक महमूद जहांगीरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल उन्हें तब्दील किया था। इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उन्होंने एतराज उठाया तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर इस्लामाबाद को हाईकोर्ट ने आज ये फैसला जारी किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल साही। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो, अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग। दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की, आप जान पाएंगे सियासत,
वक्त और मईशत की ताजा तरीन सूरतेहाल पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त www.publicnews.com